आइए। ये हैं पंडित अग्निहोत्री जी, शौकत अली जी और अली मोहम्मद साहब। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए नाना साहब। फरमाइए नाना साहब, कैसे तकलीफ की? मैं ये कहने आया था कि हमारे सीनों में एक ही आग सुलग रही है। हम सब अंग्रेजों से नफरत करते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की इन भावनाओं की कोई खबर नहीं। जिस दिन हमें इन भावनाओं के बारे में पता चल जाएगा, वो दिन अंग्रेजों का आखिरी दिन होगा। आप बजा फरमाते हैं नाना साहब, हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। सिपाहियों की कमी नहीं है, सूरमा भी बहुत है। मर्द तो मर्द, औरतें भी लड़ने मरने को तैयार हैं, लेकिन एक ही कमी है। कमी? कैसी कमी? एक सरदार की, और वो कमी आप ही पूरी कर सकते हैं नाना साहब। बजा फरमाते हैं मौलवी साहब। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के सिवा और कोई नहीं जिसकी सरदारी सब मान ले। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली नाना साहब, तो आप बादशाह से बात करेंगे? जरूरत पड़ी तो अवश्य करेंगे, नहीं तो कोई और जाके हमारी तरफ से उनसे मिलेगा। हमारा तो मन करता है कि कल ही जाके उनसे भेंट करें, लेकिन अगर हम वहां गए तो बादशाह सलामत मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए हमें जो भी करना है खामोशी से और बड़ी होशियारी से करना होगा, क्योंकि अंग्रेज हाकिम हर वक्त हमारी टोह में रहते हैं। होशियार जरूर रहना चाहिए नाना साहब, लेकिन जब ओखली में सर दिया है तो मूसलों से कब तक डरते रहेंगे? एक ना एक दिन तो आर पार होना ही है ना। उस वक्त के आने में अभी थोड़ी देरी है, जब तक वो घड़ी नहीं आती हम सबको ये सोचकर चलना चाहिए कि फिरंगी हमसे गाफिल नहीं है। सिमंडो, क्या बात है? सर, लखनऊ से जनरल ऑटरम ने रिपोर्ट भेजा है। क्या लिखा है इसमें, पढ़ा तुमने? यस सर। सर, जनरल ऑटरम ने यह रिपोर्ट किया है कि बिठूर के नाना को फैजाबाद में देखा गया है। वो नाना फैजाबाद में क्या करने गया था? सर, उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया है कि नाना साहब कई दिनों से फैजाबाद का मौलवी अहमद उल्लाह शाह का गेस्ट बना हुआ है। What? नाना उस मैड मौलवी के साथ है? यस सर। सिचुएशन इज गेटिंग डेंजरस। सरूर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ही लोग कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। जनरल ऑड्रम का भी यही ख्याल है सर। वी विल हैव टू मूव फास्ट, ये सब बहुत डेंजरस लोग हैं। जनरल ऑटम को लिखो के वाजिद अली शाह को अवध के बाहर ले जाए और नॉर्थ इंडिया में अपने जासूसों को हुक्म दे के हमें एक एक पल की खबर देनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले सबसे खतरनाक आदमी को टैकल करना चाहिए। बिठूर के नाना के लिए अभी हुक्म ड्राफ्ट करो कि वो हमारी परमिशन के बगैर बिठूर के बाहर कहीं भी जा सकता है। अगर उसे बिठूर के बाहर स्टेप रखना है तो उसे मेरी इजाजत लेनी होगी, और अगर मैं इजाजत नहीं दूंगा तो चाहे शादी हो या मौत, वो कहीं नहीं जा सकता है। यस सर। यस सर। लेटर पर मेरे सिग्नेचर लेकर जनरल ऑटम के पास आज ही भेज दो। यस सर। These Indians are pain in the neck.
अंग्रेज अफसर और मुसीबत के आने का कोई समय नहीं होता, और वैसे भी हम इन दोनों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं, बस इस ऑर्डर को अपना सिग्नेचर कर दीजिए। क्या है इसमें? कंपनी बहादुर का हुक्म है कि आज के बाद आप हमारी परमिशन के बगैर बिठू से बाहर नहीं जा सकते। किसका हुक्म है ये? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। अपने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से जाके कहना, ऐसे हुक्म देने का उनको कोई अधिकार नहीं, और ना हमें ऐसे हुक्म सुनने की आदत। मैं इस पे दस्तखत करने से साफ इनकार करता हूं। सोच लीजिए, यू आर इनवाइटिंग ट्रबल्स। लॉर्ड डलहौजी ये जानकर कोई बड़ा स्टेप भी उठा सकते हैं जो आपकी फ्रीडम को और भी कर्व कर सकता है। सो एज अ फ्रेंड, मैं आपको ये एडवाइस करता हूं कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को नाराज मत कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि आप जहां कहीं भी जाना चाहेंगे आपकी मदद करूंगा। Oh, really? बस मुझे ये बताना होगा कि मैं कहां जा रहा हूं और किस लिए जा रहा हूं। Well, I'm sure आप कोई ऐसी वैसी जगह नहीं जाते होंगे जो हमको बताई ना जा सके। मैं इस पे दस्तखत नहीं करूंगा। आपकी मर्जी, मैं जाता हूं, लेकिन हो सकता है कल मैं इससे भी सख्त ऑर्डर लेकर आ जाऊं। ठहरिए कमिश्नर साहब, छोटे सरकार दस्तखत कर दीजिए। हां छोटे सरकार, दस्तखत कर दीजिए। लाइए। और कमिश्नर साहब सच ही तो कहते हैं, वैसे भी हम लोग ऐसी वैसी जगह कहां जाते हैं जिनसे अफसरों को एतराज हो या इन्हें बुरा लगे। और छोटे सरकार, अगर कहीं जाना बहुत जरूरी हुआ तो है ना अपने कमिश्नर मोरलैंड साहब हमारी मदद करने के लिए। क्यों लीजिए छोटे सरकार, दस्तखत कीजिए, कर दीजिए, लीजिए। दस्तखत कीजिए। लीजिए। ये अपमान का घूंट मैंने केवल आपके कहने पे पिया है गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? जब आंधी आए छोटे सरकार तो आंखें फाड़ कर नहीं चलते, आंखों में धूल भर जाती है, बल्कि चुपचाप आंखें मूंद कर वहीं बैठ जाते हैं और आंधी के चले जाने की राह तकते हैं। इन फिरंगियों को जरा से भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमारे तेवर बदल रहे हैं। अगर हम उनसे ज्यादा बहस करते तो कल ये मोरलैंड एक नया आदेश लेकर चला आता कि हम फैजाबाद क्यों गए थे, वहां क्यों और किससे मिले। इसलिए इसलिए छोटे सरकार। सर, हकीम टॉकिर अली और नक्की खान मिलना चाहते हैं। भेज दो। सर। बंदगी सरकारे आली। हकीम टॉकिर अली का भी सलाम कबूल कीजिए सरकार। आइए आइए, माफ कीजिए इस समय आप लोगों को परेशान किया।
कोई बहुत ही खास बात होगी जो सरकार ने इस वक्त हमें याद किया। यस, इस समय हम बहुत परेशान हैं। आप क्यों परेशान हैं हुजूर? परेशान हो आपके दुश्मन? हमारा समझ में नहीं आता कि हम इस वाजिद अली शाह का क्या करें। आइए बैठिए। शुक्रिया। खादिम को जो खिदमत करनी थी खादिम ने कर दी। कैप्टन स्लीमन के हुक्म पर नवाब वाजिद अली शाह को गलत सलत दवाएं दे देकर जहनी तौर पर बीमार कर दिया। उससे काम नहीं चला तौकीर अली। कैप्टन स्लीमन ढीला ढाला ऑफिसर था, मगर मैं वाजिद अली शाह को अगर इस दुनिया से नहीं तो कम से कम आवाज से जरूर निकाल दिया। यही लाडलाजी का हुक्म जो आज ही मिला, मगर हमारा समझ में यह नहीं आता कि हम वाजिद अली शाह को अवध से निकाले तो कैसे निकाले। व्हाई डू यू लाफ? हंसता क्यों है? हुजूर, गुस्ताखी माफ। दरअसल अंग्रेज साहब बहादुर लोग तो अकल की पोट माने जाते हैं। अब सरकार, जब आप ही की समझ में नहीं आ रहा तो हम बेचारे हिंदुस्तानियों की समझ में क्या खाक आएगा? हमने आप लोगों को इधर कोई रास्ता बताने के वास्ते बुलाया है। कोई रास्ता है तो बताओ। हुजूर, एक रास्ता तो है। वो क्या है? दरअसल हुजूर, कैप्टन सलीमन वाकई ना समझते। उन्होंने बहुत ढील से काम लिया। उन्हें एक सुनहरा मौका मिला था जिसे उन्होंने हाथ से गंवा दिया। मगर मुझे यकीन है हुजूर, आप जैसा रुआबदार और बाकमाल अफसर वो मौका हरगिज हरगिज हाथ से नहीं जाने देगा। मगर लकी खान, वो मौका था क्या? हुजूर, सिर्फ मौका ही नहीं बल्कि जादुई छड़ी थी कप्तान सलीमन के हाथों में। उन्हें एक इंतहाई अहम और कारामत दस्तावेज मिल गई थी। कैसा दस्तावेज लकी खान? हुजूर, उन्होंने अवध की रियाया से इस फरियाद पर दस्तखत करवा लिए थे और जो लोग दस्तखत नहीं कर सकते थे उनके अंगूठों के निशान लगवा लिए थे कि अवध की रियाया अपने नवाब से खुश नहीं है बल्कि सख्त नाराज और आजिज है, क्योंकि क्योंकि अवध का हाकिम अख्तर पिया बनकर हर वक्त राग रंग में डूबा रहता है। उसके पास रियाया की शिकायत या फरियाद सुनने का वक्त ही नहीं है। अब आप ही बताइए हुजूर, क्या इस दस्तावेज का सिर्फ यही मसरफ था कि नवाब अवध की फौज को खत्म कर दिया जाए? हुजूर, देर तो बहुत हो चुकी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस नुस्खे को अब भी आजमा सकते हैं और इस दस्तावेज को नवाब साहब के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम ठीक कहता है नकी, हम इस दस्तावेज के जरिए नवाब वाजिद अली शाह को अवध से निकाल सकता है। मगर बेगम हजरत महल को नहीं, क्योंकि अगर बेगम हजरत महल अवध में रही तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मुश्किलें भी अवध में रहेंगी। बंदा परवर, खादिम की बात का यकीन कीजिए, नवाब वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल एक जिस्म दो कालिब हैं। दोनों लैला मजनू और शीरी फरहाद की तरह एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। अब अगर हुजूर ने नवाब साहब को अवध से निकलने पर मजबूर कर दिया तो यकीन बेगम हजरत महल तावेला तो बहुत मचाएगी, लेकिन आखिर में नवाब साहब के साथ चली जाएगी और हुजूर, इस औरत से हमारी भी जान छूटेगी जो जब से महल आई है हमारी छातियों पे मूंग दल रही है मूंग। Well, Naki Khan, well, I will use those documents. हम उन दस्तावेज का सहारा लेकर नवाब वाजिद अली शाह को अवध से जरूर निकाल देगा। अब समझे आप हुजूर, अब समझे। वो जो कहते हैं ना कि अक्लमंद घोड़े को एक चाबुक और अक्लमंद इंसान को एक इशारा ही काफी होता है। अब देखिए ना हुजूर, इधर मेरे मुंह से बात निकली और उधर आप समझ गए कि क्या करना है। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर योर टाइमली एडवाइस। हम आपके इस दिए हुए मशवरे पर कल ही
आप मजाक कर रहे हैं जनरल साहब? हमारे कानों को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है, ये आप क्या कह रहे हैं? नो 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 नवाब साहब, नो, हम कोई मजाक नहीं कर रहा है। ये लॉर्ड डलहौजी का हुक्म है कि आप अवध छोड़ दें। लेकिन क्यों, हम क्यों अपना अवध छोड़ दें? वो इसलिए क्योंकि आपकी रियाया आपसे नाखुश है। उनका कहना है कि आप उन पर जुल्म करता है, उनका फरियाद नहीं सुनता है, आप हर वक्त नाच में गाने में डूबा रहता है। आपकी राया ने हमको लिख के दिया है कि उनको आप जैसा हाकिम नहीं मांगता। नहीं चाचा, अंगूठा लगाओ। नहीं, अंगूठा लगाओ। आप उन दस्तावेज की बात कर रहे हैं जिस पर कप्तान सिलेमन ने हमारी रियाया से जबरन दस्तखत करा लिए थे? आप जानते हैं कि वह झूठ और फरेब के दफ्तर के सिवाय कुछ भी नहीं था। आप यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी रियाया को पीट पीट कर जबरदस्ती उन कागजात पर दस्तखत कराए गए थे, जबकि वो सरासर झूठ था। झूठ था या सच, यह हम नहीं जानते। दस्तावेज हैं, यह हम जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी चाहते हैं कि आप चुपचाप अवध से निकल जाए, और उन्होंने कलकत्ता के पास माथिया बुर्ज में आपका रहने के वास्ते बंदोबस्त कर दिया गया। बहुत अच्छी जगह है वो नवाब साहब, वहां आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, और कुछ दिनों के बाद आपको लखनऊ और अवध दोनों का याद नहीं आएगा। आप क्या जाने कि लखनऊ और अवध हमारे लिए क्या है? लखनऊ हम पर फिदा, हम फिदाए लखनऊ। लखनऊ और अवध को तो हम मर कर भी नहीं भूल सकते। अवध हमारी दुनिया है, हमसे हमारी दुनिया मत छीनिए ऑल्ट्रम साहब। नो नवाब साहब, नो, आई एम सॉरी, हम आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता है, लेकिन क्या करें, लॉर्ड डलहौजी का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। और अगर ये हुक्म हम मानने से इनकार कर दें तो? तो खून खराबा होगा। यानी आप हमें कत्ल कर देंगे? तो ठीक है, बिस्मिल्लाह, सरे तस्लीम खम है, कत्ल कर दीजिए हमें। नो, I'm not an idiot, हम इतना बेवकूफ नहीं है। तो फिर क्या खून खराबा होगा? हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो गोया आप हमें धमकी दे रहे हैं। आप इसको धमकी क्यों समझते हैं नवाब साहब? हम तो आपको आपका अवध और आपका जिंदगी बचाने के लिए एक सुझाव दे रहा है। हम आपको एक हफ्ते का टाइम देता है, सोचिए।